स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम जानेंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज ब्राजील की यात्रा पर रहेंगे। मैं इसके अलावा आज क्या खास होगा, आइए जानते हैं इस मॉर्निंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज ब्राजील की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भारत की स्थिति को सामने रखेंगे, जो नई दिल्ली घोषणा के परिणामों पर आधारित होंगे। वहीं पिछले वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी, जिसे पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुडा डा सिल्वा को सौंपा था। पंजाब में आज शपथ समारोह होगा। बता दें कि चुने गए पंचों सरपंच आज शपथ लेंगे। वहीं इस दौरान जिला स्तर पर प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। प्रोग्राम में सरकार के मंत्री भी शिरकत करेंगे। पंचायत विभाग की तरफ से इस बारे में सभी जिलों के DC को आदेश जारी कर दिए गए। रानिया नगर पालिका द्वारा शहर के विकास कार्यों के एजेंडे को लेकर आज पार्षद हाउस की बैठक बुलाई है। इस बैठक में रानिया हल्का के विधायक अर्जुन चौटाला शिरकत करेंगे। ये जानकारी नगर पालिका के चेयरमैन मनोज सचदेवा ने दी। छोटी काशी मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू संगठनों का गुस्सा फिर भड़क गया है। हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। वहीं आज मंडी शहर के सेरी मंच पर छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति ने अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री SP सिंह बघेल पंचायत सम्मेलन में आज आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे, जिसका शीर्षक है जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना। बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज होटल और कन्वेंशन सेंटर में अपना दूसरा पंचायत सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। मतदान कर्मी आज अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगे। बता दें कि मतदान कर्मियों के आज डिस्पैच सेंटर समाहरणालय परिसर जामताड़ा तक उनके आगमन के लिए 18 नवंबर को बस प्रखंडों में भेजी गई है। आज गाजियाबाद के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जाएंगी। बता दें कि गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बुधवार यानी 20 नवंबर को होना है। उपचुनाव को लेकर गाजियाबाद में 20 नवंबर को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल 23 से 25 नवंबर तक पावंटा साहिब में होगी। सिरमौर टीम चयन के लिए ट्रायल आज गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल मैदान में 3:30 बजे से होंगे। चयनित छात्र एवं छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिरमौर टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं आज बाधित रहेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसको लेकर बयान जारी किया है। बता दें कि जनकपुरी पश्चिम से RK आश्रम तक 490 मीटर लंबे खंड पर सिविल कार्य के कारण येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं आज भी अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगी। राजस्थान के सीकर में ड्राई मौसम के बीच आज न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं आज से जिले में सर्दी का असर बढ़ सकता है और तापमान में भी गिरावट आ सकती है, जिसके चलते गुलाबी ठंड के आसार देखने को मिलेंगे। वक्त हो चुका है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1917 में भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1975 में भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स और प्रसिद्ध अभिनेत्री सुष्मिता सेन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1988 में भारत के भूतपूर्व 15वें मुख्य न्यायाधीश M हमीदुल्ला बेग का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1994 में भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। आज ही के दिन सन 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।